हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज से तकरीबन 9 months पहले मैंने यूट्यूब के ऊपर एक कॉकरोच ट्रीटमेंट के बारे में एक वीडियो अपलोड की थी और बताया था कि हमारा जो फिप्रोनिल जेल है ये वाला, ये कितने अच्छी तरीके से काम करता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो वहां जेल को लगाना दिखाया था मैंने, तो कुछ लोगों ने मेरे पास कॉल करके पूछा कि भाई आपने जेल को अप्लाई करना तो बता दिया, लेकिन 7-8 दिन के बाद उस जगह पर इसका क्या इफेक्ट रहा वो आपने वीडियो में नहीं दिखाया। तो मैं दोस्तों आपको आज अपनी उसी साइट पर लेकर चलता हूं जहां पर मैंने इसको 9 months पहले अप्लाई किया था, और वहां मैं आपको दिखाऊंगा कितना अच्छा इफेक्ट रहा वहां पर। और मैं भी वहां 9 month के बाद फर्स्ट टाइम जा रहा हूं, तो उससे आपको एक एक्चुअल पिक्चर नजर आएगी कि ये पेस्टिसाइड कितनी अच्छी तरीके से काम करता है। चलिए दोस्तों उस साइट पे चलते हैं। सबसे पहले मैं वहां जाकर आपको पूरा किचन दिखाऊंगा, अगर कॉकरोच हुए तो वो भी पता चल जाएगा, और अगर कॉकरोच नहीं हुए तो इसका मतलब इस पेस्ट ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, ये पेस्टिसाइड बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, 8 से 10 दिन के अंदर आप कॉकरोच खत्म कर देगा। लेकिन अगर आप इसको किसी रेस्टोरेंट में लगा रहे हैं तो रेस्टोरेंट में दोस्तों घर की तरह साफ सफाई नहीं रहती, इसलिए मैं सलाह यही दूंगा 2-3 महीने में एक बार यूज करते रहें। अगर आप इसको घर में लगा रहे हैं और साफ सफाई आपके घर में अच्छी रहती है, तो ये एक सिंगल बार लगाने के बाद आपको तकरीबन 1.5 साल तक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो चलिए सबसे पहले आपको वहां लेके चलते हैं और इसका इफेक्ट दिखाते हैं। ये वो होटल है जहां पर हमने ओल्ड वीडियो शूट की थी कॉकरोच का जेल लगाते हुए, पहले ये होटल ओयो के पास था। चलिए इसके किचन में चलते हैं। तो दोस्तों ये वो रेस्टोरेंट है होटल का जिसके किचन में हमने लगाया था ये जेल। चलिए मैं आपको पहले अंदर से दिखा देता हूँ इसको। ये देखिए कितना शानदार तरीके से उन्होंने साफ सफाई का ध्यान रखा है, क्योंकि मैं इनको बस एक ही चीज बोल के गया था कि भाई यहाँ साफ सफाई का ध्यान रखना है और आपको कॉकरोच नहीं मिलेगा। पहले तो इन सब जगहों पे कॉकरोच नजर आ रहे थे, और देखो अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखेंगे ना तो अभी कभी भी आपको कॉकरोच जल्दी से पैदा नहीं होते, वरना इन सब जगहों पे कॉकरोच हो रहे थे। अब आपको कहीं भी कॉकरोच नहीं मिलेगा पास में, वरना इन सब जगहों पे घुसे हुए थे कॉकरोच, पता नहीं है, और इन जगहों पर थे, लेकिन अब कोई कॉकरोच नहीं है। बस हमने एक ही सलाह दी थी इनको कि भाई साफ सफाई का ध्यान रखना है, ये देखिए आप, वरना इन सब जगहों पे कॉकरोच घूम रहे थे, यहाँ पे घुसे हुए थे इन जगहों पर। आप पहनिए तो डीप एंड क्लीन है, डीप एंड क्लीन है, एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। जब से आप करेंगे जब से, वरना इनके अंदर घुस जाते हैं भाई कॉकरोच वगैरह। सेव साहब आप बताइए कैसा रिजल्ट मिला आपको यहाँ पे? ओके, जब आए तो कॉकरोच नहीं थे, उस दिन से कॉकरोच नहीं है। 9 महीने हो गए ना? हाँ। है ना, 9 महीने के करीब हो गए हैं, मतलब जब पहले थे। हाँ हाँ, बहुत भयंकर थे ना। ये देखिए आप, अब कहीं भी कॉकरोच आपको नजर नहीं आएगा। और बहुत ही अच्छे साफ सफाई भी इन्होंने रखी है इसकी, कॉकरोच होते ही होते हैं, क्योंकि पहले थे नहीं ना यहाँ पे, थे नहीं। आप कब आए हो? मई में आए हो, तो हमने ना ये तकरीबन ये फरवरी मार्च में लगाया था हमने जेल यहाँ पे, तो उसके बाद हमने फिर इसको सफाई की है। सफाई मेन चीज सफाई है, और सभी डिब्बों की सफाई अच्छे से हो रही है, एक बार इसको देख लें, वरना तो डब्बा खोलते ही कोई भी डिब्बा खोलते थे हम तो कॉकरोच निकलते थे। ये देखिए आप, बिल्कुल साफ पड़े हैं, कोई कॉकरोच यहाँ नहीं है। जिन रेस्टोरेंट की सफाई अच्छी से रहती है और घर की सफाई अच्छी से रहती है तो वहां जल्दी से पैदा भी नहीं होते कॉकरोच वगैरह, वरना पहले पता क्या था इन सब जगहों पर घुसे हुए थे कॉकरोच। तो सेफ साहब, और आपके आज हमने जेल लगाया था वो फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में लगाया था, है ना, और ये लगाया था हमने 2022 में, है ना, फरवरी मार्च 2022 में हमने आपके यहाँ जेल लगाया था, और अभी चल रहा है नवंबर, नवंबर की भी 17 तारीख हो गई है, आज के 9 महीने हो गए, है ना। तो मैंने पूरा आपका किचन देखा, बहुत अच्छी सफाई आपने यहाँ रखी हुई है, और एक भी कॉकरोच नहीं है,
तो आप कितना सेटिस्फाई हैं हमारे प्रोडक्ट से इससे? सर वो जो रिपोर्ट है वैसे तो पहले बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे, हम भी देखा था, पर इसके बाद जब आए जी हम भी एक भी कॉकरोच नहीं मिला ना, अभी तक मिला है ना, अभी तक है ना। मतलब ऐसी कोई कंप्लेंट है कि बट मतलब एक भी कॉकरोच दिखाई दे? पहले से कुछ नहीं दिखाई, कुछ डीप एंड के लिए ना बहुत ही अच्छा लगा, मतलब पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे, पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे, गेस्ट हाउस से भी कंप्लेंट आते थे जी, और मैं हमारी डिलीवरी वगैरह जाते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा डिलीवरी से जाते हैं, अब नहीं आते। हम जो सलाह देते हैं रेस्टोरेंट में कॉकरोच का जेल लगाने की, वहाँ ऐसे रेस्टोरेंट में सलाह देते हैं हर 2-3 महीने में जहाँ साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन जितने अच्छे से आपने साफ़ सफाई रखी हुई है तो मुझे तो लगता नहीं कि आने वाले 4-5 महीने 6 महीने भी आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ना कोई प्रॉब्लम नहीं, बस साफ़ सफाई का ध्यान रखना। साफ़ सफाई तो हर महीने होती रहती है, हर महीने होती है, बाकी तो जो डेली का कॉमन है वो तो होती रहती है, बाकी पूरी दीवारों की इसकी सारी सफाई होती है, इसलिए कॉकरोच होने का सवाल ही नहीं। दोस्तों मोस्टली जो कॉकरोच होते हैं वो ऐसी जगहों पर ही ज़्यादा पैदा होते हैं जहाँ साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, तो इस रेस्टोरेंट में चूंकि साफ़ सफाई भी है और इन्होंने बस केवल एक बार हमारा जेल यूज़ किया है फरवरी या मार्च के अंदर, हम खुद ही लगा के गए थे और अभी तक 8-9 महीने हो गए हैं यहाँ एक भी कॉकरोच नहीं है, तो इतना अच्छा रिजल्ट है इस फिप्रोनिल जेल का जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर दोस्तों ये जेल आप मंगाना चाहते हैं हमसे तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करके इस जेल को मंगा सकते हैं और एक बार अपने घर में लगा देना, घरों के अंदर आपको हो सकता है 1-1.5 साल भी कॉकरोच की कोई भी समस्या नहीं आएगी, इतना बेस्ट जेल है ये। आई होप आप जो लोग मेरे पास कॉल करके पूछ रहे थे कि भाई आपने जहाँ जेल लगाया था वहाँ कॉकरोच कितने दिन बाद ख़त्म हुए, वो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हाँ एक बार जेल लगाया है 8-9 दिन के अंदर कॉकरोच खत्म हो गए थे और आज 8-9 महीने हो गए हैं यहाँ सिंगल कॉकरोच नहीं है। सही कह रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।